हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। किसी भी काम को करने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं एक्सेल में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला हम लगाएंगे और फॉर्मूला ही क्या, उसमें कई फॉर्मूले हम लगाएंगे और लास्ट नेम को फाइंड करेंगे। कैसे, आइए दिखाता हूँ। देखिए राइट साइड में जो है लास्ट नेम लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट नेम को ही फाइंड करेंगे। कैसे, आइए दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर राइट का फॉर्मूला लगाएंगे, RIGST, ये राइट का फॉर्मूला लगा दिया। और यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, पहले वाले को कर दिया, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे हम इसकी लेंथ को फाइंड करेंगे, LEN कर दिया लेंथ, ठीक है। और यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, फाइंड का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे डबलेटेड कॉमा को ओपन करेंगे और फिर डबलेटेड कॉमा को गैप देके क्लोज करेंगे। फिर कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगा करके इसी सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से इसको बंद करके और फिर एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट नेम आपका फाइंड होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब यहां से जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं तो आपका पूरा रिजल्ट एक ही बार में आपके सामने आ जाता है, यानी लास्ट नेम आप बड़े आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की जरूरत पड़े तो आप आसानी से इस फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।